गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन मीन्स फ्रीक्वेंट एडिशन ऑफ नंबर, मीन्स एक ही नंबर को बार बार एडिशन करना, उसको बार बार एक ही नंबर को हम एडिशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल। आपको टेबल भी याद रखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो देखिए, दिस इज नंबर 8, दिस इज नंबर 9। वी हैव टू मल्टीपल बोथ नंबर्स। 8 इंटू 9, 8 नाइन्स आर, यहाँ लिखना है आपको, 8 नाइन्स आर 72। हियर 16 इंटू 8 128। हियर यू हैव टू राइट 18 इंटू 9, 18 नाइन्स आर हियर 16 इंटू 18, दिस नंबर हियर। यू डू लाइक दिस ऑल्सो इन योर कॉपी। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न द मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑफ टू डिजिट नंबर इन अनदर टू डिजिट नंबर इन प्रीवियस क्लास, इन क्लास 4। ओके, द एग्जाम्पल्स नाउ, 463 मल्टीप्लाई, दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटू, दिस सिंबल इज कॉल्ड मल्टीप्लाई सिंबल। 463 मल्टीप्लाई बाय 58, कैसे पढ़ते हैं? 463 मल्टीप्लाई बाय 58, 463 को 58 से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे दो मेथड है, आपको दो मेथड मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। 463 यू हैव टू राइट फर्स्ट नंबर, देन यू हैव टू राइट सेकंड नंबर। हियर दिस इज सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई, देन 8 को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 का जितना है, पहले 8 को करते हैं, 8 थ्री सार 24, देन 8 सिक्स, देन दिस इज नंबर 3704। नेक्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5, देन व्हाट इज द आंसर? दिस इज द आंसर। देन टोटल यू हैव टू इन मल्टीप्लीकेशन, देन यू हैव टू पुट हियर प्लस सिंबल, मीन्स यू हैव टू एड दिस नंबर्स। नेक्स्ट प्रोसीजर, 463 मल्टीप्लाई बाय 58, मीन्स 58 को हम क्या करेंगे? व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 58? 50 प्लस 8। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 463 इंटू 50, आपको 463 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू हैव टू पुट हियर प्लस सिंबल, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 463 इंटू 8, देन राइट द आंसर। ओके, दिस लाइक यू डू ऑल दिस। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आर फ्री टू आस्क मी और अदरवाइज मैसेज मी। ऑल द स्टूडेंट्स, आई नीड ऑल आंसर फ्रॉम यू, आई नीड टूडे फ्रॉम ऑल स्टूडेंट कॉपीज। ओके, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, डू मैथ्स रेगुलरली, एंड रिमेम्बर द टेबल, दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू लर्निंग एट होम। So you remember the table up to 25. Okay, keep learning. Bye bye students.